नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू जोशी स्टोरीज। और सुबह हो चुकी है और हमारी जो प्रिय माता जी है, जिनकी इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली है, हम उनसे मिलने जा रहे हैं। जय हो प्रणाम। आयो प्रणाम। किसी किला बलबली रहे से ये जो मैं प्रणाम कर रहा हूँ, ये अपने हिस्से का नहीं कर रहा हूँ, ये प्रणाम मैं कर रहा हूँ कि जितने भी YouTube फैमिली में मैसेज आते हैं, उन सबका प्रणाम एक साथ है। तब तो ठीक है, तब तो सब आशीर्वाद जी रहा, बज रहा, ये दिन हमारे भेड़ना रहा। दीदी मेरी साग काटे मुँह तो रहा, यह का पकौन। तो मम्मी ने चाय बना दी है अपने लिए, अपने पति देव के लिए और अपनी बुआरी के लिए। लोग तो पी भाई ना, अब गाय पड़ो भाई, अब हम भी एक बुआ लगी भाई, बुआ तो नहीं बुआरी आली बड़ाली पर प्योलो कशी जी के चेहरोनी। तो मम्मी अपने टाइम पे स्कूल जाया करती थी, तो पढ़ाई करी थी, पूरी नहीं करी थी। पढ़ा था नहीं पढ़ा, हम पहल घंटी घर में लागते थे, हम गए हम स्कूल ओ दूर पार दिखे थी, हम शिलंगवाड़ी गाँव में धेना में भयो स्कूल, ऐसी दौड़ लगो नहीं भय की आँख लगी देखे करती घुरी ले जानी आज में। और बकायदा वो नंदिन ने आजकल बरसात है दिला में इधु बदमाश नंदिन हो जी, वो जमाना का इतने वाला घाव होनी भाई, इतने वाला घाव होनी भाई, वो घा के बाजी दी नहीं भाई बाट में बाजी की जो आलो आप घुरी हो कभी कदी ना घुरी कदी ना अंदाज होगा जी, वो घा अगल बगल में हिट दौड़ भी हो गई। मम्मी ने शिलंगवाड़ी स्कूल से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके उसके बाद वहीं से हमने पीएचडी भी करी है ना। हाँ फिर के पीएचडी आप तुम कर लाए पीएचडी कराल तुमको तुम्हारा भगीरथ पीएचडी कान काट लो। हम लोग तुमको आपको कान नहीं काट दी थी, मगर तुम्हारा भगीरथ तुम्हारा कान काट लो, पर तुम पीएचडी कर ला। तो मम्मी की चाय जो है वो पूरे अपनी बहू के लिए बिल्कुल बना के रख दी गई है। है ना, रात भर बैठी हुई भोहन लो नौकरी लग जाएगी, जब फिर भला हल फिर देगी ना, फिर वो केले नहीं दे, फिर मम्मी के 7 करोड़ रुपए में क्या है कि और बढ़ जाएंगे, तो वो 7 करोड़ 7 हजार हो जाएंगे, 7 करोड़ 7 लाख हो जाएंगे, 7 करोड़ 70 लाख हो जाएंगे। और मम्मी की यूट्यूब फैमिली भी 7,800 से ऊपर क्रॉस कर चुकी है। ले चाहती आज ले वाली चाय भी भगीरथ। वीडियो के लिए इंसान क्या क्या करता है ना। और वैसे जैसे मैं चाय देता ही नहीं हूँ तुम्हें, जब मूड आया ना, जैसे जब तक देवता नहीं आते तब तक वो क्या है ये सही है, तो देवता को साथ के रखना पड़ता है, उनके क्या है सम्मान, उनका आदर सत्कार करना पड़ता है, तब वो क्या है कि सब देते हैं। अच्छा आप क्या खाते हो? ये मारी खा रहा है। तो ये भी इसको भी पता लग गया की कैमरे में कैसे कंटेंट दे रहा है, इसलिए मार खा रहा है, ये बिगड़ गया है। तो भगीरथ ने अपना कीबोर्ड निकाल दिया है। क्यों भगीरथ? ये क्या है बिट्टू? भगीरथ क्या है कि अभी से कीबोर्ड की प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि क्या होता है सरकारी जो नौकरी होती है ना उसमें क्या होता है कीबोर्ड की स्पीड चाहिए होती है, तो अभी से होगा तो उस वक्त बिल्कुल सुपर डुपर फास्ट स्पीड हो जाएगी। नानी नानी हाँ क्या कह रहे हो, नानी से बता दो। पानी नानी पानी। अभी हम आ गए हैं अपने भ्राता श्री की बनाई हुई अशोक वाटिका में। वाटिका में लगा हुआ है ये गिलोई का पेड़, तो जो गिलोई है उसको बोलते हैं पहाड़ी में गुर्ज, और पहले से मम्मी बताती है कि इसको खाते थे बैल, आज इनको महस खा रहे हैं। पहले बैलों को ताकत देता था, अब ये इंसानों को ताकत देता है। ये बैलों को खिलाते गाय, उनको गायों को भी खिलाते थे, वो गुर्ज को बैलों को ही खिलाते थे। तो खेल भूमि में सारे खेल वाले खिलाड़ी आ चुके हैं, छोटी कार वाले भी आए हैं, बड़ी साइकिल वाले भी आए हैं। और ये भाई किसका है? मेरा है, वो भी है मेरा भाई। अच्छा तुम्हारे कितने भाई हैं बता दो। एक दीदी है, एक घरची है, एक भाभी है, एक घरची है, एक अबू है, एक दक्ष है। किसी को लगभग नाम तो सब याद नहीं, लेकिन उसने सबको गिन दिया है। अभी उससे खेल रहे हैं दोनों, थोड़ी देर में क्या होगा यहाँ पर आएंगे, फिर इसमें लड़ाई जाएगी। भगीरथ सिर्फ नोजी अपनी ताई जी से मिलाता है, उसके अलावा किसी से नहीं मिलाता है। स्कूल नहीं जा रही क्या बात? अभी ये क्या है? बच्चों को आटे से प्यार होता है, हमें भी अपने टाइम पे बहुत प्यार था आटे से। बच्चों को आटा पसंद क्यों होता है? वो बच्चों बहुत खेल, तुम हमें अपने टाइम पे कम देते थे, देते ही नहीं थे। क्यों? किले किले क्या ऊपर दी थी, किले हमको ठंड पड़ जाये थी। नंदिन मुख लगा रखी ने इसी पीछो बर्बाद करनी, इन्हें ओली पीछो को खाल, यह भी नंदिना का दूर करके धर को फटाफट पीछो ओल ली। मम्मी बताती है कि नया आटा आया कंटर में रखा होता, दादा ने उसमें पानी डालकर नींद गई, ये नानू नान गिला गोरु जो खाली भिजोड़ रहे, उमे खीते आज तुम्हारे हाथ खितर ना खितर जो कहीं
किसों गजोर ना गजोर रहने दियो। ये हम नहीं कर रहे, ये क्या होता है दादियां बोल ले बिगाड़ती है, दादियां ही है परेशान हो जी भाई भगवान कैसी पाली नी। अरे मेरे मैद में आमला भाई इजला भाई बोजिला भाई मी और सोनी बाबू आम के लिए मैं आम बैठ जा भाव आ गई परिवार भाई नी परिवार में एडजस्ट हो पड़ो चाहे जो सुन सा नक लागलो अभी लागो तो मुझे मगर परेशान बच्चे पालन में बहुत है एहसास चीजों कोई बुरा नहीं माने क्योंकि जो बुरा मानने वाले थे वो चले गए हैं सबके साथ और जो साथ वाले तो खुद भुक्तभोगी हैं जो बड़े होते थे वही बुरा मानते थे कोई ऐसा है नहीं और क्या है कि ठीक है जो संयुक्त परिवार होता है उसमें क्या होता है कि थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ती है वारिया का तो उतनी परेशानी नहीं हो चालू है ना चला है अगर उनका बच्चों हो रहा था वो सोच नहीं कि गैर गैर पे नहीं हो रहा है वो चल गैर बाहर जा रहा कई लोग बोलते हैं कि भाई जैसे जब बच्चा हो रहा होता है उस वक्त अगर श्रेणी का ख्याल नहीं रखा तो जिंदगी भर याद रखती है इसलिए उसको लगता है कि ना वो तो बिल्कुल सही भाई मगर ख्याल करी हमको ना पता सुना बच्चे कैसी होनी क्यों होनी क्यों हो कर किले जब सासू कर ना चल यो सोचनी ना ना इबेर भी नहीं हो रहा इबेर भी हो रहा बिल्कुल जोश कर दी करी दी मगर ना ना मेरा चल नहीं कर दो मेरा ही नहीं है इसमें पूजा का भी मतलब पूरा योगदान रहा कि उसने क्या की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बच्चा पैदा करने के लिए बिल्कुल कोई बात नहीं बिल्कुल होना चाहिए लेकिन ठीक है अंत भला तो सब भला है ना बढ़िया के भाव हो गए और वो देखो गाड़ी चला रहा है वो वहां भाव गए जरूर भाव गए मगर सही बात वही ला कहत वो उल समझ जाए जी बात के भैया यशस हो यशस हो आई तलक ठीक से आगे आगे ने जेला करा पाए उम्मीद तुमको बता दी और आया यश करना वो जो हमारी गाय है एक गाय ये है ठीक है एक ये है विनोद जो ब्लॉग लगातार देखते उनको पता होगा और इसकी बछिया ये है बछिया तो ठीक है सब पालते हैं जो बहड़े होते हैं वो हम क्या करते हैं कि जो गौशाला होती है वहाँ दे देते हैं ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो बछिया होती है उनको रख लेते हैं बहड़ों को ऐसे ही मतलब रोड में छूड़े हैं तो वो चीज़ हमें सही नहीं लगती है तो अपनी ईजा वाली ड्यूटी निभाते हुए पूजा जी मालिश करने है बिल्कुल ट्रेन हो गई हूँ बच्चों को अगर आपके बच्चों की मालिश करनी है तो बताओ न्यूबॉर्न से लेकर टॉडलर इन्फेंट सबकी मालिश करने के लिए मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस हो गई हूँ पूजा को पूरी की पूरी ड्यूटी दे दी गई है भगीरथ की ये देखो एक को तो खाना पकाना पड़ेगा और एक को जो है पूरा बच्चा देखना पड़ेगा तो मम्मी ही मैं हम दो ही लोग हैं थोड़ा मैं भी वहाँ पे कर लेती थोड़ा मम्मी भी देख लेती है तो ये एक आपस में अंडरस्टैंडिंग है हमारी ताई जी आ चुकी है ताई जी के दर्शन बहुत दुर्लभ हो जाते हैं जेती हुई राति भर में जाओ तो ताई जी ठहरा ही अगर दुर्लभ दर्शन हो रही बताओ राति भर 8 बजे इतना ही तो बहबू जी ताई जी का 9 बजे खाने का रूटीन 9 या 8 बजे का रानी कितने बजे का हुआ खा लेते पहले से क्या होगा पहले से 7:30 7:30 बजे खाई नंदी स्कूल गए ताऊ जी ले गए रूटीन ले रहे अपनी ड्यूटी बॉर्डर में गई वहाँ कहते गोड़ ना हुआ और चल जाए काम यार ताई जी की वजह से क्या है फिलहाल की हम रानी खेत के जो रास्ते हैं दरवाजे खुले हुए हैं 4-5 साल तो फिर मैं चले जाऊंगा ना फिर मैं वहाँ चले जाऊंगा मैं फिर मेरे को यूट्यूब में मेरे पास फैमिली बढ़ जाएगी हाँ, फिर बढ़ते फिर मेरा क्या है मेरा रोजगारी होगा मैं वहीं रह जाऊंगा वहीं बैठ के अपना बैठे रहे इसका हाथ मिल गया करते रहे फिर सब बुढ़िया और बुड्ढो को सबको समेरा सुमूर करके हमारे के हमको लगते जाके भैया खाचे पकवे दीदी हम तो इमें बात करते कलाकार जितने भी है सब सेटल कर दिए है अभी से साठ गांठ करनी पड़ती कल के दिन कोई और आ जाएगा बोलेगा कि अरे तुम आ जाओ हमारे चैनल में तो मैं ताई जी से भी साठ गांठ कर ली इजा तो मेरी हुई मेरे पास बुहारी वहाँ मालिश कर रही है बताया तुम्हें तो क्या कर रही है तो एकल करो व्हील कर मील कर मालिश तुम करा करो मील रुझा करो व्हील भाव कर ली पता है मम्मी कह रही थी मम्मी कह रही थी अच्छे से मालिश नहीं कर रही मुझे अच्छा तभी चलने लग गया था वो जल्दी सब कुछ जल्दी जल्दी कर रहा है तो एक बच चुका है और कुछ तो काम हुआ नहीं लेकिन हमारा ये आ चुका है हमने 8 किलो मंगाया है डिटर्जेंट और कपड़े जब डिटर्जेंट आएगा तभी तो कपड़े धुलेंगे तुम्हारे लिए गिफ्ट है ये आपका कैमरा जो है इससे मेरी एक शिकायत है जब मैं काम करती हूँ उस समय क्यों नहीं आता है क्योंकि ये कैमरा जो है कैमरा सिर्फ सासुओं को अच्छा दिखाता है बुआरी को एक खराब दिखाने की कोशिश करता है काम कुछ कर रही थी सफाई कर रही थी किचन में पोछा पाछा मैंने कहा अभी नहीं आ रहा ये कैमरा ऐसा है कपड़ा अच्छे से धोना डिटर्जेंट आ गया ये मत कहना खत्म हो गया ठीक है जैसे खत्म हुआ कहेगी की खत्म हो गया डिटर्जेंट नहीं आया मैंने कब से बोला था ऐसा भी करते ही हो फिर आप ठीक है चलो बाय बाय तो 5 बज चुके हैं और अब जाकर किसी की एंट्री हुई है एडिटिंग में लगा हूँ भैया मेरी काफी क्लिप डालते नहीं है यूट्यूब में बहुत नाराज हूँ इस बात को लेकर कस्टमर ढीला है यार प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है
मैं आप सभी से एक गुजारिश करूंगा, जितने भी इनके सब्सक्राइबर है 7,000 10,000 वो यहाँ नहीं आए बिल्कुल भी, घर में रहें, आराम से पैसा बचाएं, कुछ भी पैसा खर्च मत करें, और खासकर इनके वहाँ नहीं, अब तो ट्रैक सूट के दिन आए हैं हमारे वहाँ, जब भी आप आए फिक्स प्राइस है इनके वहाँ, हमारे वहाँ तो कोई बात नहीं, मनीष भाई के वहाँ जब आप आएंगे तो वहाँ से सामान ले जाएं, है ना, और आप बोलिए जोशी स्टोरीज के लिए जो कमीशन है वो मेरे को मिल जाएगा ना यार, कमीशन बाजी वाला काम मैं नहीं करता हूँ। तो बच गए हैं 8 और मेरी हो गई 60-80, क्योंकि पूजा का क्या कहना है, मैं अभी काम करके आ रही हूँ किचन में, ठीक है, और इनका कैमरा अभी तक क्यों नहीं आया 10 मिनट पहले, ये पीछे ही बैठे थे, उन्होंने कहा जब ये अपना करके आ जाएगी और जब मम्मी जाएगी तब ले जाऊंगा कैमरा। मोटी मोटी क्या है, छिपी, वो जो मोटी मोटी कहना चाह रहा है वो मोटी मोटी छिपकली बोलना चाह रहा है, तुमने अपनी सारी साड़ियाँ निकालना शुरू कर दिया लग रहा है, अब दिन भर में 3,000 साड़ी बदलो ने, मम्मी ने पापा को भी काम पे लगाया हुआ है, तो काम पे लगाने कहते हैं इसको, तेल निकाल लो काम पैरा, ठीक है बहू तू काम कर लो तेल तो निकाल ले, तो न्यूट्रीला होती है वो शाकाहारियों का मांस माना जाता है, पहले से मैं क्या बना रहा हूँ, मैं सोचने वाला हुआ कि ये मीट होता है और इसके डब्बे में लिखने वाला हुआ इतना प्रोटीन है, वो डब्बे में क्या होने वाला हुआ कि वो इतना बड़ा परिवार हुआ 2 बार चलने वाला हुआ, तो वो जिनके 4-3 जो भी होंगे 5 भी हो सकते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है कि मैनेज होता था, इसलिए कहे कि संयुक्त परिवार में मिल बैठते खा पड़ो, आप एक कला है या आज जी जन से आर्जन है या दर निमखोड़ बड़ा निमखोड़ खाई खड़, उसी बार की ताई जी की हमारी एंट्री हो रही है, दूसरी कुर्सी पे बैठ गई है, ये मुझे भेज रहा हूं मैं, आई हूं बैठो या पाओ मैंने ये लो मुझे बैठो, ये रात सिंहासन में बैठा करो, ये 2 गद्दे के बीच में ऐसे करके बिल्कुल ना, सुनो तुम्हारा नाती है ठीक है, तीर्थ वीर्थ जाओ घूम के आओ, चारों को बद्रीनाथ केदारनाथ ले आते हैं ना, मतलब बच्चों का सबका करा ही है, परिवार का भी करा है, तो जैसे मम्मी का संघर्ष वैसे ताई जी का भी संघर्ष रहा, पर लेकिन ताई जी का संघर्ष पहाड़ में रहा थोड़ा अलग तरीके का, हमारा क्या था परिवार भले ही यहाँ रहता था आधा हल्द्वानी आधा मतलब रानीखेत, लेकिन एक हेडक्वार्टर से 2 जगह हेडक्वार्टर एक चलती थी जाके, तो हमारे एडिटर साहब जो है बैठ चुके हैं अब एडिटिंग करने, ये वही वाला व्लॉग है जो आप देख रहे हैं, उसी व्लॉग का स्टार्टिंग ही कुछ डाटा करते हैं, तो अभी से उड़िया एडिटिंग बिल्कुल नहीं लड़ रहे हैं हम, बिल्कुल नहीं लड़ रहे हम आजकल, लड़ाई तो क्यों, देखो जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई होती है, क्या होता है कहते हैं कि ना जो जब भान होते हैं तो जब आपस में भानकुन बजते हैं तो वो चीज है, हमारा बोनलेस यानी कि सोयाबीन की बढ़िया बन चुकी है और खत्म भी हो चुकी है, मम्मी तुमने खा लिया, खा लिया मैंने, मम्मी आई इसकी मम्मी खो गई, चलो इसकी मम्मी को हम ढूंढते हैं और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।